नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। अभी कुछ देर पहले यहाँ सिरसा के बरनाला रोड से जो किसान बैठे थे धरने पर रात के समय से ही, उनको उठा लिया गया है। लेकिन अभी स्वराज पार्टी के जो मुखिया हैं योगेंद्र यादव, वो अब दोबारा से यहाँ पर धरने पर बैठेंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। सभी किसान संगठनों से, किसानों से अपील भी उन्होंने की है, तो चलिए सुनिए वो उन्होंने क्या आह्वान किया है किसानों से। एक बार फिर इस बात को साबित किया है कि हरियाणा सरकार इस सवाल पर कितनी हिली हुई है। इस बात को फिर साबित किया है कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री किसानों के सवालों का जवाब देने में असमर्थ हैं और किसानों के सामने आने की बजाय पुलिस को आगे कर रहे हैं। कल आप सब ने देखा, आपकी आंखों के सामने जो कुछ हुआ वो हुआ। आपने देखा कि किसान बार बार अपील कर रहे थे कि हम बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे। आपने देखा कि अगर यहाँ के किसान नेताओं ने इतना शांति, इतना धैर्य और इतना अनुशासन न दिखाया होता तो कल कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। उस सब के बावजूद पुलिस जो देख सकती थी किन लोगों, कौन लोग दंगा करवाने की कोशिश कर रहे थे, कौन लोग हिंसा करवाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी बजाय सारे किसानों के ऊपर आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। और आज शांतिपूर्वक से बैठे हुए किसान, कल रात पूरा हम सामने थे, किसी को कोई संदेह नहीं था कि हमारी नीयत में कोई गड़बड़ नहीं है। शांतिपूर्वक पक्के मोर्चे का ऐलान हुआ था और ऐसे में अचानक उन पर कार्रवाई करके उनको ले जाना किसानों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है और इस सरकार के दमनकारी चेहरे को एक बार फिर जाहिर करता है। एक पीपली तब हुआ था 10 सितंबर को और ये पीपली का दूसरा अध्याय सरकार ने किया है। मेरी बात अभी प्रहलाद भाई से हुई, मनदीप भाई को भी अंदर ले गए हैं और उन सब की तरफ से ऐलान किया गया है, आह्वान किया गया है। जो सब किसान कल आए थे उनसे दोबारा आह्वान किया जाता है कि आप यहाँ पहुँचिए, शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ बैठिए। एक जत्थे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, हम देखते हैं कितने जत्थों को पुलिस अरेस्ट करेगी। और मैं भी यहाँ पे उनके प्रतिनिधि के तौर पे, हम तो 10 मिनट के लिए बाहर गए थे, रात को मैं भी यहीं पे था, बस आधे घंटे के लिए बाहर गए थे, पीछे से कार्यवाही हो गई है, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं भी यहाँ पे बैठ रहा हूँ। और मैं धरना जारी रहेगा, पक्के मोर्चे की घोषणा किसान कर चुके हैं, किसान अपनी घोषणा से वापस नहीं हटेंगे। पुलिस ने जो कार्रवाई करनी है कर ले, चाहे जैसा भी हमला हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा और संकल्प हमारा नहीं टूटेगा। तो मैं आप सबके माध्यम से तमाम किसानों से आग्रह करना चाहता हूं, जिन तक ये आपकी आवाज़ पहुंचे, आजकल आप लोगों की रीच बहुत ज़्यादा है, कि आप पहुंचिए, इसी चौक पे पहुंचिए। अभी कमेंट आया, आपने कहा है कि रात को हम यहीं पे थे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे नहीं थे। भाई आपके साथी कौन है जो सुबह सुबह, ये भाई साहब इधर बताना, ये भाई साहब रात को मैं था कि नहीं था यहाँ पे, ये देखो ये आपके साथी बता रहे हैं। अभी कमेंट आ रहा है सर, कमेंट यहाँ पे मौजूद थे, वो सीधी सीधी बात ये बोल रहे कि आप यहाँ पे मौजूद नहीं थे। भाई साहब तो ये कमेंट ये आपके साथी बता रहे हैं ना, रात 11 बजे इंटर हुआ, 2 बजे हुआ और सुबह 6 बजे उठते हुए इन्होंने मेरी वीडियो बनाई। भाई साहब ये 2 नंबर का काम नहीं करते, राजनीति आजकल 2 नंबर की हो गई है, ये 2 नंबर के काम नहीं करते भाई। अगर कहीं पे और रहना होता आराम से घोषणा करके कह कर। यादव जी धरना कहाँ दिया जाएगा? एसपी साहब कह रहे हैं कि परमिशन जहाँ पे है उस जगह पे धरना दिया जाएगा। ये सब फैसला, ये सारा फैसला आंदोलनकारी करेंगे, जिनको अंदर कर लिया गया है, क्योंकि कॉल ओरिजिनली उनकी तरफ से था। मैं उनकी तरफ से कोई फैसला लूं ठीक नहीं बात है, उसका फैसला होगा, लेकिन फिलहाल तो कॉल यही है कि जहां पे बैठे हुए थे वहीं वापस आएं सारे के सारे। तो आंदोलनकारी वापस आएंगे और तमाम किसानों से मेरा अनुरोध है कि जिस चौक से आपके साथियों को उठाया गया आप भी वहाँ पर आइए शांतिपूर्वक तरीके से। हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई इस सत्ता से है जो कि किसान विरोधी है, और इस सत्ता के खिलाफ हम अपना मोर्चा जारी रखेंगे। और मैं खुद यहाँ पे बैठूँगा इस मोर्चे की शुरुआत करते हुए, धरने की फिर शुरुआत करते हुए, मुझे उठा लेंगे तो कोई दूसरा आके बैठेगा,
चुपचाप से बैठेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से बैठेंगे, इन दमनकारी कानूनों का विरोध करेंगे, ये हमारा संकल्प है। और अगर सरकार में हिम्मत नहीं है कि सामने आके हमारे सवालों का जवाब दे, सरकार पुलिस को आगे करके जवाब देती है, तो शर्म है, लानत है इस सरकार पे जो किसानों का जवाब पुलिस से देती है।